प्रकृति में विभिन्न कीटों को अपना आहार बनाने वाले जीव मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों प्रकार के फफूंद, विषाणु एवं जीवाणु कीटों को रोग ग्रसित कर उन्हें नष्ट करते हैं। इनमें से कुछ जीवों को जैविक कीटशालाओं में बहुगुणित कर फसलों पर छोड़ा जा सकता है। इस क्रिया को जैविक प्रक्रिया द्वारा रोग नियंत्रण किया जाना कहा जाता है। इनमें जो प्रक्रियाएं शामिल हैं, उनमें HANPV यानी कि हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का छिड़काव, नीम आधारित कीटनाशक, जाल फसल उगाना, ट्राइकोकार्ड लगाना एवं ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल शामिल है। आइए किसान भाइयों, इस वीडियो में जानकारी लेते हैं नीम आधारित कीटनाशक, जाल फसल उगाना और ट्राइकोकार्ड के विषय में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नीम आधारित कीटनाशकों की। किसान मित्रों, नीम का तेल 8 से 10 मिलीलीटर 1 लीटर रस चूसने वाले कीटों जैसे कि सफेद मक्खी की असरदार रोकथाम करता है। फूल आने पर नीम या मोंगामिया केक 100 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालें। इस प्रक्रिया को 30 से 45 दिन के अंतराल पर कम से कम 2 बार दोहराएं। आइए किसान मित्रों, अगली जैविक प्रक्रिया को जानते हैं। किसान मित्रों, अगली जैविक प्रक्रिया है जाल फसल उगाना। कीटों को कुछ फसलें आकर्षित करती हैं। कीटों की इसी आदत का फायदा उठाकर इन्हें काम में लिया जा सकता है। जैसे कि गोभी वर्गीय फसलों में सरसों की 3 कतार चारों ओर लगाकर सफेद मक्खी, एफिड या अन्य रस चूसने वाले कीटों से बचा जा सकता है। मिर्च, टमाटर व बैंगन में गेंदे की एक पंक्ति प्रमुख फसल की हर 18 पंक्तियों में लगाने से लटों का मुख्य फसल पर प्रभाव कम होता है। किसान मित्रों, अगली जैविक प्रक्रिया है ट्राइकोकार्ड। ट्राइकोकार्ड परजीवी के पैदा होने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। ट्राइकोकार्ड को 7 से 8 मीटर की दूरी पर सब्जी की पत्ती के साथ चिपकाया जाता है। ट्राइकोकार्ड सीधे धूप से बचाने के लिए पत्ती के भीतरी ओर चिपकाया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि ट्राइकोकार्ड को सुबह या शाम हवा की दिशा में पत्तियों पर लगाएं। ट्राइकोकार्ड लगाने से पहले किसी भी कीटनाशक का स्प्रे नहीं होना चाहिए। ट्राइकोकार्ड के ऊपर ट्राइकोग्रामा लार्वा के अंडों की परत होती है, जिनके लार्वा प्रमुख फसल के कीटों पर जीवित रहते हैं। 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राइकोकार्ड बुआई के बाद 45 दिनों में खेत में लगाएं। ट्राइकोकार्ड की मदद से बैंगन व टमाटर के फल छेदक और गोभी की फसल में पाए जाने वाली सुंडी से छुटकारा पाया जा सकता है। किसान मित्रों, इसके अलावा जिन जैविक प्रक्रियाओं को हमें अपने खेतों पर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी जरूर देंगे।